सिंह चड्ढा तोड़ेगी दंगल के रिकॉर्ड्स। और क्या लाल सिंह चड्ढा है एक रीमेक मूवी? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। बॉलीवुड एक्टर आमिर खान फिल्मों में अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए जाने जाते हैं और उनकी आने वाली फिल्म लाल सिंह चड्ढा उनका नया एक्सपेरिमेंट होने वाली है। दोस्तों, इसकी कहानी अतुल कुलकर्णी ने लिखी है और मूवी के क्रिसमस 2021 पर थिएटर्स में रिलीज होने के चांसेस भी हैं। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो ये मूवी कंट्रोवर्शियल रायट्स ऑफ 1992 पर बेस्ड हो सकती है। मूवी में ये बताया जा सकता है कि आखिर ये दंगे हुए क्यों थे। खबरें तो दोस्तों ये भी आ रही हैं कि ये फिल्म 1984 के शुरुआत में भारत में हुए दंगों की कहानी भी हो सकती है। ये मूवी बाबरी मस्जिद डेमोलिशन जो कि 1984 में हुआ था उस पर भी बेस्ड हो सकती है, या फिर 1984 सिख राइट्स पर भी इसकी कहानी आधारित हो सकती है, जो कि इसलिए हुआ था क्योंकि इमरजेंसी लगाने वाली इंदिरा गांधी को उनके सिख बॉडीगार्ड सतवंत सिंह और बीनत सिंह ने शूट किया था, इसलिए मूवी उस पर भी बेस्ड हो सकती है। दोस्तों, चांसेस तो इसके भी हैं कि मूवी में बताया जा सकता है कि इतने सारे रायट्स को इंडिया ने कैसे झेला और कैसे इनके बावजूद भी डेवलपमेंट की राह पर बढ़ती रही हमारी अपनी इंडिया। बता दें दोस्तों कि ये मूवी एक हिंदी रीमेक है हॉलीवुड फिल्म फॉरेस्ट गम का। इसमें टॉम हैंक्स लीड रोल में दिखे थे। दोस्तों, लाल सिंह चड्ढा सिर्फ एक मूवी नहीं होगी बल्कि इसमें इंडिया के वर्ल्ड लेवल पर डेवलपमेंट को दिखाया जाएगा कि क्या क्या हुआ है पिछले कुछ सालों में। जैसे कि पैरामाउंट पिक्चर्स की मूवी फॉरेस्ट गंप में दिखाया गया था कि कैसे यूएस मिलिट्री ने वर्ल्ड को डोमिनेट करके रखा था, और सेम ऐसा ही आमिर भी VFX के द्वारा पास्ट में जाकर मिलेंगे पॉलिटिकल लीडर्स से और राज की सारी वजह जानने की कोशिश करेंगे और उन्हें रोकने की भी। और दोस्तों, बात की जाए कंपैरिजंस की तो दोनों मूवीज में एक्टर काफी अच्छे हैं। जहां फॉरेस्ट गंप ने अमेरिकन हिस्ट्री को दिखाया है तो दोस्तों वहीं लाल सिंह चड्ढा भी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के वेरियस इवेंट्स को बयां करेगी। दोनों मूवीज में एक्टर्स के हाथ में वाटर एंड सी का टैटू है और दोनों एक्टर्स के जॉयडिक साइंस पीसेस ही हैं और दोनों की एक्टिंग स्किल्स तो हैं ही बेस्ट। तो दोस्तों, फर्स्ट लुक ऑफ लाल सिंह चड्ढा को रिलीज किया जा चुका है। आमिर ने मूवी के फर्स्ट लुक को खुद अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया था और लिखा था, सत श्री अकाल जी, माई सेल्फ लाल सिंह चड्ढा। इसमें आमिर का लुक बिल्कुल सिंपल है। उन्होंने पिंक और ग्रे चेक कलर की शर्ट के साथ ग्रे कलर की ट्राउजर पहन रखी है, साथ ही शर्ट से मैचिंग पगड़ी भी उनके सर पर बंधी नजर आ रही है। दोस्तों, फिल्म में उनकी दाढ़ी काफी बड़ी रखी गई है। अब बता दें कि फॉरेस्ट गम तो एक ऑस्कर विनिंग फिल्म है और इसके हिंदी वर्जन यानी कि लाल सिंह चड्ढा को आमिर खुद अपनी वाइफ किरण राव के साथ और वाईकॉम 18 स्टूडियोज में प्रोडक्शन में है। दोस्तों, आमिर की अब तक की सबसे हिट मूवी थी दंगल, जिसने अभी तक बॉलीवुड में सबसे ज्यादा बिजनेस किया है। पता है कितने का? मैं बताती हूँ दोस्तों, वो था 2000 करोड़ का। और बात की जाए दंगल की स्टोरी की तो वो इंडियन विमेन रेसलर्स गीता और बबीता फोगाट के स्ट्रगलिंग डेज की थी और उनके पापा का रोल आमिर ने किया था, जो एक काफी स्ट्रिक्ट फादर बने थे पर अपनी बेटी को हर मुश्किल से लड़ने की सीख देते हैं। और इस तरह उन्होंने इंडियन पेट्रियार्कियल सोसाइटी को वुमेन बेस्ड एक और अचीवमेंट वाली मूवी दी। और दोस्तों, मूवी के सॉन्ग्स भी काफी अच्छे थे, जैसे कि हानिकारक बापू, धाकड़ और गिलहरियां। और लाल सिंह चड्ढा भी अलग कंसेप्ट की जैसी है, जिसे आमिर हमेशा ही चूज करते हैं। इस फिल्म में कई सारी एक्शन सीन्स भी होंगे और अलग अलग टाइमलाइंस के सीन्स हमें देखने को मिलेंगे, जो इंडिया में पहली बार किसी मूवीज में देखने को मिल सकते हैं। अब दोस्तों, मूवी की स्क्रिप्ट ये डिमांड कर रही है कि आमिर को अपनी जर्नी ऑफ लाइफ को नरेट करना है और वो फिल्म में अलग अलग लोकेशन पर दिखने वाले हैं। आमिर ने इस फिल्म को 100 से भी ज्यादा लोकेशंस पर शूट किया है। मूवी की शूटिंग दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बैंगलोर, हैदराबाद और इंडिया के कई स्टेट्स में हुई है और फिल्म की फॉरेन लोकेशंस को भी शूटिंग हुई है। तो दोस्तों, ये भी रूमर्स हैं कि आमिर को अपने चाइल्डहुड से लेकर 50 साल तक की सारी इवेंट्स को बताना है। फैंस सुपर एक्साइटेड हैं इस मूवी को लेकर। अब आप भी हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या लाल सिंह चड्ढा तोड़ सकेगी आमिर के ही दंगल के 2000 करोड़ का रिकॉर्ड।
And dosto, if you like the movie and want to know more reports about upcoming movies, then please like, share and subscribe the channel Bollygrad Studios. And the writer of the script is Akash Jha.